हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आयशाज़ किचन द जायका ज़ोन। आज मैंने बनाए हैं मेरे किचन में ग्रीन कलर के मोमोज। भाई मोमोज तो सबकी फेवरेट होते हैं, तो आज मैंने इसको कुछ डिफरेंट तरीके से बनाया है, वो भी घर पे बहुत आसानी से ये बना। तो इसका ग्रीन कलर कैसे आया वो भी मैं आपको आज बताऊँगी, और मोमोज के साथ खाई जाने वाली चटनी कैसे बनाई उसकी भी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ, लेकिन आज फिर से मैं एक बार दूंगी। और इसके मैंने कई तरीके के डिज़ाइन कैसे बनाए एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। जब चलते हैं मेरे किचन में, तो कुछ सब्ज़ियाँ मैंने ली हैं पहले से ही, मैंने इसको बहुत ही छोटा छोटा काट लिया है, जिसमें मैंने ली है कैप्सिकम, गाजर, कैबेज, अनियन और थोड़ी सी हरी मिर्च। और मोमोज का जो डो मैं बनाऊंगी, तो उसके लिए, उसके कलर के लिए मैंने यहाँ यूज़ किए हैं पालक के पत्ते। तो सबसे पहले हम इन पालक को पत्तों को अच्छे से धो लेंगे, और इसके बाद हमें इसको करना है ग्राइंड। तो बहुत ही पतला सा हमें इसका पेस्ट बनाना है, और हम थोड़ा सा डो के लिए इसमें हम लेंगे ऑल पर्पज़ फ्लोर, मैदा और थोड़ा सा आटा, नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा तेल लेंगे, और इसमें पानी नहीं डालेंगे। पानी की जगह मैंने इसमें डाला है पालक का जो जूस निकला है वो, तो उसको हम छन्नी से छान लेंगे, वरना जो पत्ते रह गए हैं वो आ जाएंगे इसमें। तो हमें लिक्विड चाहिए इसका, और कलर इसका चेंज करने के लिए चाहिए, तो मैंने इसको छान लिया है अच्छे से। और डो के लिए जितना रिक्वायर्ड होगा पालक का पानी, तो हम उतना यूज़ कर लेंगे। तो आटे को गूंथते टाइम जब हम जितना भी पानी हमें चाहिए होता है, हम पानी का ना यूज़ करके हमने जो पालक का पेस्ट बनाया था उसी में पानी डाल के हमें इसको यूज़ करना है, जिससे कि जो डो का कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर कलर नहीं यूज़ किया है, मैंने यूज़ किया है पालक का ओरिजिनल नेचुरल कलर यूज़ किया है, जिससे कि ये देखिए ये जो डो है वो ग्रीन कलर का हो गया है, और ये बहुत हेल्दी भी बना है। तो इसे हम रखेंगे 5 मिनट के लिए थोड़ा सा पन्नी में थोड़ा सा लपेट के, और 5 मिनट के बाद ये थोड़ा सा बैठ जाएगा और ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो हमें इसे फ्रिज में रख देना है 5 मिनट के लिए, और उसके बाद हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। तो फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है बटर, उसमें मैंने डाला है लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट। इसे हमें बिल्कुल पकाना नहीं है, इसका जो फ्लेवर है वो हमें चाहिए मेरी सब्जियों में। तो हमने ऊपर से इसमें डाल ली है हरी मिर्च, और उसके बाद मैंने इसमें डाला है कटा हुआ प्याज। तो हमें इसे थोड़ा सा सौते कर लेना है, चला लेना है, ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। और इसके फौरन बाद हमें इसमें सारी सब्ज़ियाँ जितनी भी मैंने काटी थी छोटी छोटी, बहुत ही छोटी छोटी इसे हमें काटना है, जिससे कि फिलिंग अंदर आराम से भर जाए और बाहर भी ना निकले। तो हमने जितनी सब्ज़ियाँ काटी थी वो सब मैंने इसमें डाल दी हैं, और इसे हमें तेज़ आँच पर, याद रखिएगा तेज़ आँच पर हमें इसे बस चलाते रहना है। अगर हमने इसकी स्लो आँच की तो ये पानी छोड़ देगी सब्ज़ियाँ, और हमें ये नहीं चाहिए कि ये पानी छोड़ दे। और लास्ट में हमें इसमें डाल देना है नमक, और थोड़ा सा इसमें हमें डालना है ग्रीन चिली सॉस। तो ग्रीन चिली सॉस भी मेरा ख़त्म हो गया, जितना भी डाल था मैंने इसमें सब डाल दिया। और थोड़ा सा इसमें डालना है हमें सोया सॉस, बहुत से अच्छे फ्लेवर के लिए। और इसे तेज़ फ्लेम पे ही इसको बस बनाते रहना है, मुश्किल से 2 मिनट तक मुझे इसको चलाना है। और इसके बाद इसे ठंडा करने के लिए मैंने इसको प्लेट में रख लिया है। जब ये ठंडा हो जाएगा, जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक ही हम अपने आटे को देख लेते हैं। तो ये देखिए ये डो बिल्कुल तैयार हो चुका है, और अब हम इसकी काटेंगे लोइयाँ। तो लोइयाँ हमें बहुत छोटी छोटी सी चाहिए, तो सबसे पहले मैंने इसे आटे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, और उसके बाद इसे लंबा लंबा हाथों से ही गोल रोल करके और इसकी लोइयाँ हम काटेंगे। तो इसको मैंने हाथों से ही बढ़ा लेना है, इसको लंबा सा कर लेना है, इसके बाद हम नाइफ से इसकी लोइयाँ काट लेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है ये, और ग्रीन मोमोज बहुत ही कम देखने के लिए मिलते हैं। तो मैंने इसको एक बार ट्राई किया है, मैंने कहीं देखा था ग्रीन मोमोज, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसमें क्या डालते हैं। तो जब मैंने पता लगाया तो मुझे पता चला कि इसमें कलर डालते हैं, तो मैंने कलर बहुत ही कम ही यूज़ करती हूँ, तो मैंने कलर की जगह इस पे पालक का पेस्ट डालने का सोचा। तो इसी तरह मैंने इसको ग्रीन कर लिया, और अब हमें क्या करना है, तो अब हमें इसकी लोइयाँ काट लेनी है। काट ली है मैंने सारी लोइयाँ, और अब इसे हमें देना है लोइयों का आकार। तो जैसे पूड़ी का साइज़ होता है उसी तरह हमें बिल्कुल छोटी छोटी सी पूड़ियों के आकार का इसको बेल लेना है, और बहुत सारे मैंने बेल लिए।
और अब हम बनाएंगे बहुत सारे मोमोज के डिज़ाइन। तो मैंने इसमें फिलिंग जो बनाई थी वो ठंडी हो चुकी है, तो आप इसमें जैसा भी रिक्वायर्ड हो आप उतना इसमें फिल करके, मैंने एक चम्मच डाला है इसमें, और इसकी डिज़ाइन बनाना शुरू कर दी है। तो आप देख सकते हैं मैंने कैसे डिज़ाइन बनाई, आप इसको ट्राई कर सकते हैं घर पे, बहुत इजीली तरीके से मैंने इसको बनाया है। तो एक बार फिर से ट्राई करेंगे हम इसे। तो देखिए मैंने क्या किया है, तो मैंने इसमें फिलिंग भरी है और इसे एक तरफ से हाथ से ही इसको फोल्ड करते हुए आगे की तरफ इसको मैंने बढ़ा दिया है। तो ऐसे ही मुझे फोल्ड करते करते लास्ट तक लेके आना है इसे। तो ये देखिए ये एक तरह की डिज़ाइन ये तैयार हो चुकी है, बहुत ईजी डिज़ाइन थी ये। तो अब हम बनाएंगे दूसरी तरीके की डिज़ाइन। तो इसी तरह मैंने फिलिंग भरी है और इससे थोड़ी सी कम फिलिंग लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा और इसमें डाल दिया। ऐसे सिंपल ही मुझे इसको फोल्ड कर देना है और इसको नीचे बेस पे रख के इसको अच्छे से दबा के मुझे दोनों किनारों को एक में जोड़ देना है। तो ये देखिए ये दूसरी तरीके की डिज़ाइन हो गई। एक बार फिर से इसको देखेंगे तो देखिए मैंने क्या किया, सीधे सीधे इसको बस ऐसे ही इसमें बंद कर दिया है और इसको फोल्ड कर देना है। आप मुझे नीचे ही रख के, आप हाथ में भी रख के कर सकते हैं, जैसे आपको सूटेबल लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी डिज़ाइन बन गई। तो अब हम नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ चलेंगे और ये देखिए मैंने इसमें कैसे करना है, इसको मुझे ले कर आना है यहाँ तक, पूरा बंद कर देना है वैसे ही जैसे पहले किया था मैंने, और इसको आप किनारे से उंगली की सहायता से, नाखूनों की सहायता से मुझे इसको फोल्ड करते जाना है। जैसे हम गुजिया बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसको हमें बनाना है। तो पहले के ज़माने में साँचे तो नहीं होते थे तो लोग हाथ से ही गुजिया बनाते थे, तो बिल्कुल ऐसे ही मेरी मम्मी भी बनाती थी जब भी बनाती थी। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही मुझे इसको फोल्ड करते जाना है। जब आप बनाओगे तो आपको आसान लगेगा, बिल्कुल ये बहुत आसानी तरीके से। तो नेक्स्ट हमारा जो डिज़ाइन है वो देखिए मैंने एक तरफ से आधा फोल्ड किया है, दूसरी तरफ से, और तीसरी तरफ से मैं इसको पान का डिज़ाइन दे दिया है। ऐसे मैंने बहुत सारे बना लिए हैं। और जो नेक्स्ट डिज़ाइन है वो है मेन मोमोज का। तो ये ऐसे बनता है, एक एक करके हमको फोल्ड करते जाना है, एक उंगली और एक अंगूठे की मदद से हमें इसको फोल्ड करते जाना है। ये देखिए ये बन गया। और ये देखिए मैंने इसके बहुत सारे डिज़ाइन बनाए हैं, और इसको ऐसे ही करके मुझे इसको फोल्ड कर लेना है और आधे से ले जाके हमें इसको ऐसे बंद कर देना है। तो ये एक डिफरेंट तरीके का मोमोज हो गया। और ऐसे ही करते करते मैंने देखिए बहुत सारे तरीके के बना लिए। और अगर आपसे डिज़ाइन नहीं भी बन रही है तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं, नॉर्मल तरीके से भी फोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे डिज़ाइन बन गए, तो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें स्टीम लगाएंगे। मेरे पास स्टीमर भी है लेकिन मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कैसे इसको बनाया। तो ये अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप एक बड़ा सा पतीला लें और उसके ऊपर एक बड़ी सी छन्नी लें और नीचे कम ही पानी रखें, ऊपर से बटर लगा दिया जिससे कि ये चिपकेंगे नहीं इसमें। तो हमने छन्नी में बटर लगाया है और इसके बाद एक एक करके हमने सारे जितने भी मोमोज थे डिफरेंट डिज़ाइन के वो इसमें रख देने हैं, और ऊपर से हमें इसको ढक देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए। तो जब तक ये तैयार हो रहा है तब तक हम मोमोज की चटनी बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए हमने लिया है एक पैन में थोड़ा सा पानी, और उसमें हम डालेंगे टमाटर। टमाटर को हमें थोड़ा सा कट कर लेना है चारों तरफ से। तो तकरीबन सॉस बनाने के लिए मैंने चार टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, और हम लेंगे यहाँ पर लाल मिर्च, वो भी खड़ी वाली, और ये ज़्यादा तीखी है तो हमने इसमें से जितनी भी इसकी बीजें थी वो निकाल दी हैं, इसमें ज़्यादा तीखापन होता है। तो आपको जितना भी तीखा पसंद हो आप उतनी मिर्च यूज़ कर सकते हैं, आप दो से तीन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा तीखा पसंद करती हूँ तो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली है, और उसको मैंने उसमें डाल दिया है और ये बॉईल हो जाएगा। तो ये बॉईल हो गया है थोड़ा सा, अब हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे लहसुन की कलियां और उसको पीस लेंगे। तो दूसरी तरफ उसी फ्राई पैन में मैंने डाली है ये मेथी और थोड़ा सा ज़ीरा। जब ये अच्छे से कड़क जाएगा तो हम इसमें डालेंगे करी पत्ता। जब ये तीनों चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो जाएंगी तो हमने जो पेस्ट बनाया है वो इसमें हमें डाल देना है। तो इसे हमें थोड़ी देर तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको हमें अच्छे से चला लेना है, और इसमें इस मेथी और ज़ीरे का और करी पत्ते का फ्लेवर लाने के लिए इसको हम दोबारा से एक बार पीस लेंगे। तो इस वाले पेस्ट को मैंने उसी जार में पलट के अच्छे से पीस लेना है, बहुत ही पतला पतला पीस लेना है,
इसको हमें, और ये बिल्कुल गरम गरम चटनी तैयार हो जाएगी। और जितना भी फ्राई पैन में थोड़ा सा पेस्ट रह गया था मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डाल दिया है। और इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा नमक, और नमक के फ्लेवर को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए मैंने डाला है शुगर। तो शक्कर डाली है और तो इसका बिल्कुल बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है इसमें, बहुत अच्छी ये चटनी बन जाती है। चटनी मेरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, इसे आप कटोरे में या बाउल में पलट लें और ये तैयार हो चुकी है। दूसरी तरफ हम अपने मोमोज़ देखेंगे। तो हम 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो ये देखिए मोमोज़ भी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो हमें इसको गरम गरम बस परोस लेना है अपनी प्लेट पर, और ये बिल्कुल अब तैयार है खाने के लिए। आई होप कि आपको ये मेरी रेसिपी जो है वो बहुत पसंद आई होगी। आप इसको घर पे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, आप अपने बच्चों को खिलाइए, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अब घर पे बनाइए, बहुत इजी तरीके से ये बनती है। अपनी फैमिली मेम्बर्स को खिलाइए, और छुट्टियों के दिन चल रहे हैं तो इसे घर पर ज़रूर बनाइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए।